व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। लच्छा पराठा बना रहा हूँ आज। अब घर पर जब लच्छा पराठा बनाते हैं तो एक अलग किस्म का बनता है, तवे वाला। और जब भी रेस्टोरेंट या ढाबे पर जाओ तो तंदूर वाला लच्छा पराठा मिलता है और उसका टेक्सचर वो अलग ही होता है। पर आज इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, घर पर जैसे बनता है तवे वाला मेथड और जैसे तंदूर में लच्छा पराठा बनता है वो वाला मेथड भी बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको तंदूर या ओवन की ज़रूरत नहीं है, तवे पर ही वो रिजल्ट्स आपको घर पर ही मिल जाएंगे बहुत आसान तरीके से। साथ ही में तीन अलग अलग तरीकों से इसको लेयर करना भी बताऊंगा, जिससे एकदम परफेक्ट वो परतें आएंगी, लेयर्स आएंगे, लच्छे आएंगे आपके लच्छा पराठा में और एकदम क्रिस्पी, एकदम ब्यूटीफुल लच्छा पराठा बनता है। कोई भी सब्जी के साथ इसे पेयर करो, मज़ा आ जाएगा आपको ये लच्छा पराठा खाने में। सबसे पहले लच्छा पराठा का डो कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में आधा किलो गेहूं का आटा, चुटकी भर नमक और एक चुटकी भर अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके ऐड कर दीजिए। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार बस हल्का सा मिला लीजिए। अब यहाँ पर मैंने 400 ml अप्रॉक्सीमेटली पानी लिया है। धीरे धीरे इस पानी को आपको ऐड करना है और एक सेमी सॉफ्ट डो आपको तैयार करना है। तो धीरे धीरे पानी ऐड करके बस डो को एक साथ ले आइए। मैंने 400 ml पानी के साथ शुरू किया था, लगभग 20 ml और ऐड किया तो 420 ml के अप्रॉक्सीमेटली पानी यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। एक बार डो इस तरीके से कंबाइन हो जाए तो इसे निकाल कर आपको प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर देना है या परात में ही इसे आप गूंद सकते हैं। लगभग 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से इस आटे को आपको गूंदना है। 7 से 8 मिनट जब इसे अच्छे से गूंदेंगे तो आपके पराठे जो है एकदम सॉफ्ट बनेंगे अंदर से और बाहर से एकदम अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। ये जो गूंदने का प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से गूंदिए जब तक कि डो की जो चिपचिपाहट है वो निकल जाए और एकदम स्मूथ डो आपका बन जाए। तो आप देख सकते हो लगभग 7-8 मिनट के बाद डो एकदम सॉफ्ट स्मूथ हो गया है। इस स्टेज पर लगभग 2 टीस्पून तेल इसमें ऐड करना है। तेल ऐड करके बस 2 मिनट के लिए फिर से गूंदिए कि ये तेल भी जो है वो आटे में इनकॉर्पोरेट हो जाए। 2 मिनट के बाद तेल भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो गया है और आप देख सकते हो हमारा डो रेडी हो गया है। एक बड़ा सा राउंड डो बॉल तैयार कर लेना है। अब बोल में से प्लेस करके ऊपर से हल्का सा तेल लगाइए कि सरफेस जो है वो ड्राई आउट नहीं हो, और ऊपर से गीला कपड़ा या गीला मलमल डालकर आपको 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने रख देना है। रेस्टिंग फेज में आटा जो है वो ढल जाता है और इससे फिर आसानी हो जाती है पराठे शेप करने में। आटा जब रेस्ट हो जाए, अभी आटे को हमको डिवाइड करना है। आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट डो हमारा तैयार हो गया है। 100 ग्राम के पेड़े यहाँ पर कट कर रहा हूँ। लगभग 9 पराठे आधे किलो आटे में बन जाते हैं। तो इसी तरीके से बस शेप कर लीजिए आटे के पेड़े को, फिर एक प्लेट में या बेकिंग ट्रे में रखकर इसे एक गीले कपड़े से ढककर रख दीजिए। तो डो की जितनी तैयारी थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने देख लिया डो लगाना कैसे, उसे रेस्ट कैसे करना है और पेड़े कैसे कट करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया 100 ग्राम के पेड़े आप बनाएंगे तो 9 पराठे बन जाते हैं आधे किलो में। तो जिस हिसाब से आपको जितने पराठे बनाने हैं उतना ही आटा आपको घर पर लगाना है। अब 3 तरीके से आज शेप करने वाले हम पराठों को, जिससे वो लेयर्स आएंगी, वो परतें आएंगी लच्छे पराठे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद इसे पकाना है तो आज 2 तरीकों से पकाएंगे। सबसे पहले लेयरिंग करनी है तो पहला जो तरीका है लेयरिंग का वो देख लेते हैं। एक आटे का पेड़ा ले लीजिए और बाकी पेड़ों को आप गीले कपड़े से ढककर ही रखिए। अब इस पेड़े को सूखे आटे से आपको कोट कर लेना है। सूखे आटे से कोट करने के बाद इसे प्लेटफॉर्म पर रख दीजिए और हल्का सा आपको प्रेस करना है इस तरीके से। अब बेलन की मदद से आपको इसको एकदम पतला बेल लेना है। बेलते समय अगर आपको जरा सा भी लगे बीच में सूखा आटा लगा सकते हैं, कोशिश कीजिए जितना पतला इसे बेल सके उतना पतला बेल लीजिए। शेप की टेंशन नहीं लेनी हमें, क्योंकि एट द एंड हमको इसका फिर से एक पेड़ा बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसे एकदम पतला बेल लिया है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हो। एक बार आपने इस तरीके से बेल लिया है तब इसके ऊपर आपको घी लगाना है। मेल्टेड घी यहाँ पर मैंने लिया है, बस एक पतली सी लेयर आपको घी की लगानी है। एक बार आपने घी अच्छे से स्प्रेड कर लिया इस तरीके से, फिर इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करना है। ध्यान देना है बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगा देना है, नहीं तो वो कच्चा कच्चा आटा आता है पराठे के अंदर, और बहुत कम आटा भी नहीं लगाना है। आपने देखा है एक पतली लेयर आटे की मैंने इस तरीके से स्प्रिंकल कर दी है। ये तेल और आटे की वजह से वो हमारी जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं। अब आपको एक एंड से इसे रोल करना चालू करना है, एक पिनव्हील जैसे बना लेना है। तो ऐसे आपको बस हाथों से एकदम आराम आराम से इसको रोल करना है और एक लंबा सा सिलेंडर इस तरीके से बना लेना है। एक बार इस तरीके से रोल तैयार हो गया तो इसको बस थोड़ा सा इस तरीके से रोल करके और लंबा कर लीजिए। एक बार ये लंबा एक सिलेंडर आपको मिल गया, उसके बाद इसे आपको इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। ऐसे गोल गोल घुमा के एक पेड़ा तैयार करना है। एक बार एंड तक आप पहुंच गए तो ये जो एंड है उसे इस तरीके से नीचे की तरफ टक कर देना है, नीचे की तरफ डालकर थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारा लच्छा पराठे का पेड़ा रेडी हो गया। अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। आटे के पेड़े को फिर से सूखे आटे में कोट कर लीजिए। अब प्लेटफॉर्म पर या चकले पर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करना है और आपको फिर से इसे बेलना है।
और यहाँ पर हम इसे एक चपाती की तरह बेलेंगे, जैसे घर पे चपाती बनाते हैं, एकदम पतली वाली चपाती नहीं, थोड़ी सी मोटी चपाती जो बनाते हैं, उस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने एक चपाती जैसे इसको बेल लिया है। अब इसके ऊपर सेम प्रोसेस, थोड़ा सा मेल्टेड घी अप्लाई करना है, एक लेयर घी अप्लाई कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है। अब एक बार ये चीज़ें आपने कर ली तो बीच में से इस तरीके से आपको एक स्लिट लगाना है, बस ऐसे एक स्लिट लगा लीजिए। अब इस स्लिट से आपको इसे वापस से गोल घुमाना शुरू करना है और एक कोन तैयार करना है। तो आप देख सकते हो इसे मैं कैसे रोल कर रहा हूँ, रोल करते करते रोल आपका अपने आप गोल घूमेगा और इस तरीके से एक कोन तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कोन कैसा तैयार हो गया और इसके ऊपर कितनी लेयर्स बन गई हैं, ये हमारी लच्छे पराठे की परतें होंगी। अब इस कोन को ऐसे आपको प्लेस करके इस तरीके से दबा देना है कि एक इसका पेड़ा तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हो दूसरे तरीके से हमारा लच्छा पराठा का पेड़ा रेडी हो गया। अब तीसरे मेथड के लिए आटे के पेड़े को आपको सूखे आटे में कोट कर लेना है। अब फिर से आपको एकदम पतला बेलना है, आप जितना बड़ा इसको बेल सकते हो उतना बड़ा बेल लीजिए। इसमें कोशिश कीजिए कि स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का थोड़ा मिलता जुलता बेले, नहीं तो शेप का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमें बाद में प्लीट करना है और फिर से पेड़ा बनाना है। तो आप देख सकते हो मैंने कैसे एक बड़ी सी शीट इसकी बेल ली है। अब फिर से सेम प्रोसेस, घी और आटा। तो घी पहले लगा दिया, घी लगाने के बाद थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर दिया, उसके बाद इसकी अभी प्लीट्स तैयार करनी है। प्लीट्स यानी कि जो साड़ी प्लीट्स होती हैं वैसी प्लीट तैयार करनी है। तो आप देख सकते हो मैं इसे कैसे फोल्ड कर रहा हूँ, इस तरीके से फोल्ड करते जाइए और ऐसे प्लीट्स तैयार कर लीजिए। एक बार आपने सारे प्लीट्स बना लिए हैं उसके बाद उसे ऐसे उठाकर हल्का सा इस तरीके से आपको खींचना है, तो क्या है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये जो प्लीटेड हम लोग का एक लेयर है। एक बार ये लंबी हो जाए स्ट्रिप, उसके बाद आपको इस तरीके से इसको गोल घुमाते हुए एक पेड़ा तैयार करना है। तो आप देख सकते हो कैसे गोल घुमा रहा हूँ, बस ऐसे ऐसे गोल घुमाइए, आपकी जो लेयर्स हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ रहने चाहिए, लास्ट में जो पोर्शन बचेगा उसे नीचे की तरफ ऐसे टक कर दीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारे तीसरे मेथड से भी लच्छा पराठा का पेड़ा रेडी हो गया। तो लेयरिंग जो है हमारे लच्छे पराठे के लिए वो रेडी हो गई है। मैंने आपको आज तीन तरीके बता दिए, और भी तरीके होते हैं बट ये तीन तरीके सबसे कॉमन तरीके हैं। जो तीसरा तरीका है प्लीटिंग वाला, वो मेरा फेवरेट तरीका है और मुझे ऐसे लगता है सबसे बेस्ट लेयर्स उसमें बनते हैं। तो बाकी जो दो तरीके हैं वो भी अगर आपको आसान लगते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, रिजल्ट सिमिलर आते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस ज़्यादा थर्ड मेथड के लिए है, तो आप जैसे चाहें वैसे लेयर कर लीजिए। आगे का जो कुकिंग प्रोसेस है सबके लिए सेम रहेगा, बेलने का भी प्रोसेस है सबके लिए सेम रहेगा। कुकिंग प्रोसेस जो है वो दो तरीके से देखने वाले हैं, पहला तरीका घर वाला मेथड तवा वाला लच्छा पराठा, और फिर दूसरा मेथड तंदूर वाले रिजल्ट घर पे कैसे लाने, ये दोनों चीज़ें बताऊंगा। तो तवे वाला मेथड जो है घर वाला लच्छा पराठा कैसे बनता है वो देख लेते हैं। तो पराठा बनाने से पहले तवे को आपको गर्म कर लेना है, तो एक तवे को गैस पर चढ़ा दीजिए और हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लेना है आपको तवे को, आपका तवा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। तो साइड पे तवा जब तक गर्म हो रहा है तब तक पराठे को बेल लेते हैं। तो एक लेयर किया हुआ लच्छा पराठे का पेड़ा ले लीजिए, उसे सूखे आटे से आपको कोट कर लेना है। उसके बाद प्लेटफॉर्म पर या चकले पर रखकर इसको हल्का सा प्रेस करना है और अब एक बेलन यूज़ करके इसको बेलना है। अच्छे से इसको बेलिए एकदम राउंड पराठे में, अगर आपको आदत नहीं है तो प्रैक्टिस कीजिए और गोल पराठा बेल पाएंगे। गोल नहीं भी बना थोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगा। तो आप देख सकते हो एक गोल पराठा, लच्छा पराठा हमने बना लिया है। पराठे की थिकनेस आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है, ऐसी थिकनेस आपने रखनी है। तवा हमारा गर्म हो चुका है तो पराठे को लेकर तवे के ऊपर डाल दीजिए। अब मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपको पराठे को पकाना है एक तरफ से पराठे को पकाइए जब तक कि पराठा एक तरफ से पक नहीं जाता है, उस पर ऐसे ब्राउन स्पॉट्स नहीं आना शुरू हो जाते हैं। एक बार पराठा हमारा पक जाए एक तरफ से, इसको पलटा देना है और पलटा कर दूसरे तरफ से भी इसको अच्छे से पका लेना है। आप एक दो बार पलटा सकते हो बीच बीच में और पराठे को दोनों तरफ से सूखा ही पका लेना है बिना घी डालकर। आपको बीच बीच में पराठे को दबाना है कॉन्चेस, इससे क्या है लेयर्स खुलते हैं और पराठा हमारा अच्छे से अंदर से पकता भी है। तो हमारा पराठा अभी दोनों तरफ से पक चुका है, अभी हल्का सा घी आपको एक तरफ पे लगाना है, फटाफट से पलटी कर दीजिए, दूसरी तरफ से भी घी लगा दीजिए और फिर से आपको पलटी कर देना पराठे को और दोनों तरफ से घी के साथ भी पराठे को बस कुछ ही सेकंड्स के लिए या लगभग एक मिनट के अंदर अंदर ही पका लेना जब तक कि क्रिस्प नहीं हो जाता है बाहर से पराठा। घी लगाने के बाद जो पकाते हैं उससे पराठा क्रिस्प हो जाता है और ये आप देख सकते हो। तो पराठा हमारा रेडी हो चुका है, इसे निकाल कर एक प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसके लेयर्स को खोलने के लिए पराठे को आपको इस तरीके से उठाना है और दोनों हाथों के बीच में ऐसे थोड़ा सा क्रश कर देना है। तो आप देख सकते हो इसके लच्छे एकदम खुल चुके हैं, एकदम परफेक्ट लच्छे इसके बन गए हैं और इसके ऊपर आप बटर और चाट मसाला डालकर सर्व कर सकते हो।
तो आपने देखा कितना परफेक्ट लच्छा पराठा बना है, एकदम लेयर्स परफेक्ट आई हैं, वो परतें एकदम परफेक्ट आई हैं, वो क्रश करने के बाद और खुल जाती हैं। इसके ऊपर बस थोड़ा सा बटर लगाइए, चाट मसाला लगाइए और सर्व कीजिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, घर पर बना के देखिए एक बार। तो ये हो गया हमारा तवा लच्छा पराठा, जो घर पर भी बनता है, रेस्टोरेंट्स में भी मिलता है तवे वाला वर्जन, और ये परफेक्ट बनता है। अब नेक्स्ट जो वर्जन है हमारा वो है तंदूर वाला वर्जन, जैसे तंदूर में बनता है, लेकिन तंदूर और ओवन के बिना ही हम आज हमारे किचन में बनाने वाले तवे के ऊपर। अब इसके लिए तवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो तवा आपको नॉनस्टिक नहीं यूज़ करना है, जो लोहे का तवा रहता है वही यूज़ करना है, और एक हैंडल वाला तवा यूज़ करना है, क्योंकि हैंडल को उठाकर हमें पलटी करना होता है। तो ये खाली रिक्वायरमेंट है, और यूजुअली हमारे घर पे ऐसा एक तवा होता ही है। एक बार आपने तवा ले लिया, तवे को अच्छे से धो लीजिए, इसके ऊपर ग्रीस नहीं लगी होनी चाहिए, तेल और घी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो पराठा चिपकता नहीं है। पहले मैंने वीडियोस किए नान की, रोटी की, उसके कमेंट्स में आता है कि हमने चिपकाया रोटी को और रोटी गिर गई, चिपकी नहीं। तो उसका मेन एक कारण ये होता है कि एक तो नॉनस्टिक तवा कई लोग यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है कि उसके धोते नहीं है, उसको साफ़ नहीं करते। तो दो चीज़ें कर लेनी है। तीसरी चीज़ ये होती है कि तवे को आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना होता है। तवा गर्म नहीं होता है तो भी पराठा चिपकता नहीं है, तो ये एक चीज़ होती है। और एक चीज़ होती है, पराठा या रोटी या नान जो भी बनाते हैं उसके ऊपर पानी अच्छे से लगाना होता है। तो ये जो चीज़ें ये आप फॉलो करोगे तो पराठा आपका अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसेस कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीका है, देख लेते हैं। तो एक साफ़ तवे को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है, तवा एकदम एक्सट्रीमली हॉट हो जाना चाहिए। एक बार तवा एकदम अच्छे से गर्म हो गया है तो पराठे को सेम तरीके से बेलना है जैसे हमने पहला बेला था। मैंने बेल लिया एक पराठा, पराठे के एक साइड पे आपको इस तरीके से पानी लगाना है। पानी को आपको अच्छे से पूरे सरफेस पे लगा देना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं कर देना है, बस एक लेयर होनी चाहिए, गीला हो जाना चाहिए एक तरफ से हल्का सा आपका पराठा। पराठा एक बार आपने गीला कर लिया है, इसे गीले वाले साइड पे गरम तवे पर इस तरीके से डाल दीजिए, पराठा जो आपका चिपक जाएगा। इसको फर्दर सिक्योर करने के लिए एक नैपकिन ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रेस करना है ताकि पराठा अच्छे से चिपक जाए। आप उंगलियों की मदद से भी ऐसे एकदम केयरफुली पराठे को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर सकते हो कि पराठा हमारा फूलेगा भी नहीं और चिपक भी जाएगा। एक बार पराठा चिपक गया उसके बाद बस आधे से एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पराठे को पकने देना है। इस तरफ से हल्के हल्के बबल्स भी आना शुरू हो जाएंगे पराठे के ऊपर। लगभग आधे से एक मिनट बाद पराठे को उठाइए, और आपको भी अलग अलग एंगल्स में से डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर पकाना है जब तक कि पराठा आपका अच्छे से पक नहीं जाता है। तो इसको बस इस तरीके से आपको पकड़ के रखना है, और हर एंगल से बीच बीच में तवे का एंगल चेंज करते हुए पराठे को पका लेना है जब तक कि आपको ऊपर से दिखेगा पराठा पक नहीं गया। तो आप देख सकते हो मैंने एंगल को घुमा घुमा के तवे को इसे पका लिया है पराठे को। पराठा आप देख सकते हो हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे कौंचे की मदद से निकाल लीजिए, पीछे से भी आप देख लीजिए एकदम तंदूर वाला इफेक्ट आया है, एकदम क्रिस्प हो गया हमारा पराठा। इसे भी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। तो आपने देखा तंदूर वाला भी हमारा जो पराठा है वो एकदम परफेक्ट बना, लेयर्स एकदम अच्छे से खुल गए थे और एकदम बाहर से क्रिस्प हो गया था, अंदर से एकदम सॉफ्ट था। वो जो बटर और ऊपर से चाट मसाला डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत डिलिशियस लगता है पराठा। पनीर टिक्का मसाले के साथ मैंने आज इसे सर्व किया था। आप कोई भी रेसिपी, बटर चिकन ले लो, पनीर टिक्का मसाला, पनीर दो प्याज़ा, वेज हांडी, सारी रेसिपीज़ योर फूड लैब पर हैं। कोई भी सब्जी बनाओ उसके साथ ये पराठे सर्व करो, मज़ा आ जाएगा आपको। कमेंट्स में मुझे बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल लच्छा पराठा रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।